बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज मैं KUK यानी कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ये कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर है, तो पूरा डिटेल से बताऊँगा तो किस कोर्स की कितनी फीस है और कितना टाइम रहने वाला है। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले ताकि इस तरीके की वीडियो आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जिस कोर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं BTech, यानी कि अगर आप बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी करना चाहते हैं यानी कि BTech, तो BTech आपका 4 साल का होने वाला है। जैसे कि यहाँ पर 4 साल का कोर्स रखा गया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर इसका प्रोवाइड नहीं किया है, लेकिन ये कोर्स आपका 4 साल का रहने वाला है। तो आप यहाँ से ये कोर्स कर सकते हो। जो लोग MSc करना चाहते हैं यानी कि मास्टर ऑफ साइंस, तो MSc कर सकते हैं। MSc यहाँ पर 16,580 रुपये पर ईयर चार्ज रहेगा और ये कोर्स आपका 2 साल का रहने वाला है, यानी कि आपका ये कोर्स 2 साल का रहेगा। जैसे कि और यहाँ पर 16,580 रुपये पर ईयर चार्ज रहेगा। इसी तरीके से सेकंड ईयर में भी आपका 16,580 रुपये चार्ज रहेगा। तो आप यहाँ से ये कोर्स कर सकते हैं और आपको यहाँ पर 24 स्ट्रीम मिल जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ की कट ऑफ लगभग 22 MSc रहती है। तो आप अगर MSc करना की सोच रहे हैं तो आप यहाँ से MSc कर सकते हैं। तो अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो MA जो लोग मास्टर ऑफ आर्ट्स करना चाहते हैं MA कर सकते हैं। MA की यहाँ पर जो फीस रखी है वो 6,710 रुपये रखी गई है, यानी कि पर ईयर आपको 6,710 रुपये पे करना पड़ेगा। वही सेम चार्ज आपको सेकंड ईयर में देना पड़ेगा, क्योंकि ये कोर्स आपका 2 साल का होने वाला है। जैसे कि 2 साल के अंदर आपको लगभग पर ईयर इसी तरीके से 6,710 रुपये पे करना पड़ेगा। जो लोग BSc करना चाहते हैं यानी कि बैचलर ऑफ साइंस, तो BSc कर सकते हैं। BSc की यहाँ पर जो फीस रखी है वो यहाँ पर 40,400 रुपये रखी गई है, यानी कि फर्स्ट ईयर में आपको 40,400 रुपये पे करना पड़ेगा। वही सेम चार्ज आपको सेकंड एंड थर्ड में पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोर्स जैसे कि आपको पता है कि 3 साल का होने वाला है। तो 3 साल के अंदर आपको लगभग पर ईयर 40,000 रुपये ही पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर लगभग 3 स्ट्रीम मिल जाते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर नर्सिंग का आपको मिल जाता है और मल्टीमीडिया ग्राफिक्स एनिमेशन एंड गेमिंग का। तो यहाँ पर साइड मिल जाती है स्ट्रीम, 3 स्ट्रीम मिल जाती हैं। और आप यहाँ से अगर आप करना चाहते हैं तो MBSc करना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। जो लोग यहाँ से MBA करना चाहते हैं अदरवाइज़ MBA कर सकते हैं। MBA आपका लगभग 2 साल का होने वाला है। तो 2 साल के अंदर पर ईयर जो चार्ज रहेगा 92,780 रुपये रहेगा, यानी कि पर ईयर आपको 92,780 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। वही सेम चार्ज आपका सेकेंड ईयर में रहेगा, यानी कि 2 साल का कोर्स रहेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर 4 स्ट्रीम मिल जाते हैं, जनरल फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स। तो आप अगर यहाँ से ये कोर्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो अदरवाइज़ यहाँ पर MPhil की बात करेंगे, तो MPhil जो लोग MPhil का कोर्स करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ईयर 18,817 रुपये चार्ज रहेगा, यानी कि 1 साल का ही कोर्स रहेगा। तो 1 साल के अंदर आपका लगभग 18,817 रुपये में कंप्लीट हो जाएगा और आपको यहाँ पर 21 स्ट्रीम मिल जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। जो लोग यहाँ से BFA यानी कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स जो लोग ये कोर्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ईयर 33,000 रुपये चार्ज रहेगा ही, और ये कोर्स आपका 4 साल का होने वाला है। तो यानी कि 4 साल के अंदर पर ईयर आपको 33,000 रुपये पे करना पड़ेगा और आपको यहाँ पर लगभग 3 स्ट्रीम मिल जाते हैं। तो आप अगर ये कोर्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो यहाँ पर 7,500 रुपये चार्ज रहेगा, यानी कि 1 साल का कोर्स रहेगा। 7,500 रुपये में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और आपको यहाँ पर 8 स्ट्रीम मिल जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। जो लोग एडवांस डिप्लोमा करना चाहते हैं डिप्लोमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 साल का कोर्स होने वाला है और 5,183 रुपये में कंप्लीट हो जाएगा और आपको यहाँ पर 2 स्ट्रीम मिल जाते हैं। जो लोग MTech करना चाहते हैं अदरवाइज़ MTech कर सकते हैं। MTech आपके 2 साल की होने वाली है, यानी कि 2 साल के अंदर पर ईयर आपको MTech के अंदर पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लगभग आपको जो चार्ज रहने वाला है पर ईयर 75,920 रुपये, यानी कि पर ईयर आपको 75,920 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। और आपको यहाँ पर सेकंड ईयर में भी सेम चार्ज देना पड़ेगा और आपको यहाँ पर 12 स्ट्रीम मिल जाते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोग ये कोर्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। जो लोग BTech लैटरल से करना चाहते हैं अदरवाइज़ BTech लैटरल से कर सकते हैं। तो ये 3 साल का कोर्स होने वाला है, यानी कि पर ईयर आपको 3 साल तक पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसके जो अमाउंट है वो दिखा नहीं रखी, अदरवाइज़ आप मुझे कमेंट करके पूछते हो या फिर मुझसे इन्फॉर्मेशन लेते हो तो मैं आपको इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन बता दूंगा। तो इसके अंदर आपको 5 स्ट्रीम मिल जाएंगे। अब लैटरल से होगा कि आपका जो कोर्स 4 साल का होने वाला था BTech 3 साल का हो जाएगा। जो लोग डिप्लोमा करना चाहते हैं अदरवाइज डिप्लोमा कर सकते हैं। डिप्लोमा की यहाँ पर जो फीस रखी है 5,183 रुपये रखी गई है, यानी कि 1 साल के अंदर आपको 5,183 रुपये पे करना पड़ेगा और आपको यहाँ पर 4 स्ट्रीम मिल जाते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोग यहाँ से ये कोर्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट निकल के आ चुका है, अगर आप MBBS यानी कि MBBS करना चाहते हैं तो MBBS कर सकते हैं बैचलर ऑफ सर्जरी से। तो यहाँ पर MBBS का
जो चार्ज नहीं दिखाया गया, अगर आपको इसका फीस स्ट्रक्चर चाहिए है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, या फिर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा हमारे चैनल पे जाके देखिएगा, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। अगर आप MBBS करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा क्या से क्या होने वाला है, और आपका ये कोर्स 5 साल का रहेगा, जैसे कि जो भी आपका चार्ज रहेगा मैं आपको पूरा डिटेल से समझा दूँगा। तो चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। जो लोग यहाँ से BA यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स मैथ्स कम्युनिकेशन साइड से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोर्स है, क्योंकि मैथ्स कम्युनिकेशन आजकल हर एक जगह ज़रूरत पड़ती है। तो इसका जो पर ईयर चार्ज रहेगा 30,400 रुपये रहेगा, यानी कि पर ईयर आपको 30,400 रुपये पे करना पड़ेगा। और ये कोर्स, जैसे कि मेरे को आपको सभी को पता है कि ये 3 साल का कोर्स होता है, तो 3 साल का ही कोर्स रहेगा, यानी कि पर ईयर आपको 30,000 रुपये पे करना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। जो लोग यहाँ से LLB यानी कि बैचलर ऑफ लॉ करना चाहते हैं, बैचलर ऑफ लॉ कर सकते हैं। तो बैचलर ऑफ लॉ लगभग आपका पर ईयर तो चार्ज रहेगा 7,699 चार्ज रहेगा। तो आप यहाँ से ये कोर्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, 3 साल के अंदर आपका ये कोर्स कम्प्लीट हो जाएगा, तो पर ईयर आपको 7,699 रुपये पे करना पड़ेगा। जो लोग यहाँ से B Pharma यानी कि लैटरल से B Pharma करना चाहते हैं, वैसे ये कोर्स आपका 4 साल का होता है, अगर आप लैटरल से करते हैं तो ये कोर्स आपको 3 साल का हो जाएगा। तो यहाँ पर जो चार्ज रहेगा 81,503 रुपये रहेगा, यानी कि फर्स्ट ईयर में आपको 81,503 रुपये पे करना पड़ेगा, वही सेम चार्ज आपको सेकेंड एंड थर्ड में पे करना पड़ेगा। तो ये जैसे कि 3 साल का कोर्स रहेगा, तो B Pharma मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है। अगर आपको इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप मुझसे, हमारा एक बार चैनल पर जाकर जरूर भेजिए, ये मेरा नंबर gmail ID सब कुछ आपको मिल जाएगा। जो लोग बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी BHMCT करना चाहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है। ये जो होटल मैनेजमेंट का कोर्स होता है ये लाइफ में कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला, इसकी जो डिमांड है वो काफ़ी आगे तक बढ़ती जाती है, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट तरीके से समझाया जाता है आपको अच्छे तरीके से, और आपको यहाँ पर लगभग काफ़ी चीज़ों को सीखने को मिलता है इस कोर्स के अंदर। तो यहाँ पर जो चार्ज रखा गया है वो इसका पर ईयर 61,000 रुपये रखा गया, यानी कि फर्स्ट ईयर में आपको 61,000 रुपये पे करना पड़ेगा, वही सेम चार्ज आपको 4 ईयर तक पे करना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो ये कोर्स जैसे कि मैंने आपको बता दिया 4 साल का होगा, तो 4 साल के अंदर आपको पर ईयर 61,000 रुपये पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको पर ईयर जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। जो लोग BDS यानी कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, तो ये भी एक MBBS की तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है। तो अगर आप BDS करना चाहते हैं, अदरवाइज़ BDS 4 साल की होने वाली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है, अगर इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इसका फीस स्ट्रक्चर पूरा डिटेल से समझा दूंगा। चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। जो लोग यहाँ से बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि BEd करना चाहते हैं स्पेशल एजुकेशन से, तो BEd कर सकते हैं। BEd का यहाँ पर जो फीस रखा गया है पर ईयर 6,153 रुपये रखा गया, यानी कि फर्स्ट ईयर में आपको 6,153 रुपये पे करना पड़ेगा, वही सेम चार्ज आपका सेकेंड ईयर में रहेगा। तो आपका लगभग 12,000 के आसपास में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो BEd मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो लोग BPED यानी कि बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन करना चाहते हैं, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कर सकते हैं। तो इसका जो चार्ज रखा गया है 19,400 रुपये रखा गया है, यानी कि फर्स्ट ईयर में आपको 19,400 रुपये पे करना पड़ेगा और सेकेंड ईयर में भी 19,400 रुपये पे करना पड़ेगा। ये जैसे कि 2 साल का कोर्स होगा बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो आप यहाँ से ये कोर्स कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। जो लोग यहाँ से B Pharma, देखिए मैंने आपको पहले लैटरल से बताया था, अब B Pharma पूरा कंटिन्यू बताता हूँ। आपका ये कोर्स आपका 4 साल का होगा, जैसे कि वो आपका 3 साल का था लैटरल से, लेकिन यहाँ पर ये आपका 4 साल का कोर्स रहेगा। तो 4 साल के अंदर पर ईयर जो चार्ज रहेगा 81,500 रुपये चार्ज रहेगा, यानी कि फर्स्ट ईयर में आपको 81,500 रुपये पे करना पड़ेगा, वही सेम चार्ज आपको सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ में पे करना पड़ेगा। तो 4 साल के अंदर लगभग आपका लगभग ये मान लीजिए 2 लाख के आसपास आपका टोटली हो जाएगा। तो 4 साल के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। जो लोग यहाँ से BPT यानी कि BPT करना चाहते हैं, BPT कर सकते हैं। BPT का कोर्स आपका 4 साल का होने वाला है, जैसे कि यहाँ पर इसका फीस स्ट्रक्चर नहीं दिखा रखा है। अगर आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको पूरे तरीके से गाइडलाइंस के द्वारा अच्छे तरीके से गाइड कर दूँगा। तो चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। जो लोग यहाँ से BA और LLB दोनों ही कोर्स एक साथ करना चाहते हैं, दोनों ही कोर्स एक साथ कर सकते हो आप। तो यहाँ पर ईयर आपको 66,500 रुपये पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोर्स आपका 5 साल का होने वाला है।
पाँच साल के अंदर होगा कि आपके कोर्स दोनों ही एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे कि आपको अलग अलग करना पड़ता था, लेकिन अगर आप बीए और एलएलबी दोनों ही एक साथ करते तो आपका एक साल बच जाएगा। जैसे कि बीए 3 साल की रहती है और एलएलबी 3 साल की, तो आपको यहाँ पर 5 साल के अंदर ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है और 66,500 रुपये पर ईयर चार्ज लगेगा आपका। जो बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी के कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है एमबीबीएस की तरह, तो ये कोर्स आपका 5 साल का होने वाला है। जैसे कि लगभग 5 साल का कोर्स रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है। अगर आपको इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको पूरा या फिर कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। तो यहाँ पर इसका फीस स्ट्रक्चर भी नहीं दिखा रखा है। जो लोग यहां से बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस करना चाहते हैं कर सकते हैं, तो 6,613 रुपये पर ईयर चार्ज रहेगा, यानी कि 1 साल के अंदर ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो लोग बी फार्मा के बाद एम फार्मा करना चाहते हैं, बी फार्मा के बाद एम फार्मा कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो चार्ज रखा गया है वो यहाँ पर 86,700 रुपये रखा गया है, यानी कि फर्स्ट ईयर में आपको 86,700 रुपये पे करना पड़ेगा। वही सेम चार्ज आपको सेकेंड ईयर में पे करना पड़ेगा, यानी कि 2 साल के अंदर आपको जो टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा लगभग 1,70,000 के आसपास पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको 4 स्ट्रीम मिल जाती है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। जो लोग एमएफए यानी कि मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स ये कोर्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ईयर आपको 35,500 रुपये चार्ज देना पड़ेगा, वही सेम चार्ज आपको सेकेंड ईयर में देना पड़ेगा, यानी कि 35,500 रुपये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी सेम देना पड़ेगा। और ये आपको यहाँ पर 4 स्ट्रीम मिल जाते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। जो लोग बीएड के बाद मास्टर ऑफ एजुकेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कोर्स आपका 2 साल का हो जाएगा, 2 साल के अंदर जो पर ईयर चार्ज रहेगा 15,350 रुपये, यानी फर्स्ट ईयर में आपको 15,350 रुपये पे करना पड़ेगा, वही सेम चार्ज आपको सेकेंड ईयर में पे करना पड़ेगा। और इसमें आपको एक ही स्ट्रीम मिलेगा, तो स्पेशल एजुकेशन का आप यहाँ से कोर्स करना चाहते हैं मास्टर ऑफ एजुकेशन कर सकते हैं। जो लोग मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, तो ये कोर्स आपका 1 साल का होने वाला है, तो 1 साल के अंदर जो आपको टोटली फीस पे करनी पड़ेगी 6,613 रुपये। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। जो लोग यहाँ से एमकॉम करना चाहते हैं एमकॉम कर सकते हैं। एमकॉम की यहाँ पर जो फीस रखी गई वो यहाँ पर 14,880 रुपये भी रखी गई है, यानी कि आपको 14,880 रुपये पर ईयर चार्ज रहेगा, यानी कि कोर्स आपका 2 साल का रहेगा। तो 2 साल के अंदर आपको लगभग 29,000 के आसपास की रकम पे करनी पड़ेगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एमडीएस मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये कोर्स आपका 3 साल का हो जाएगा। जैसे कि अगर आपको इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा या फिर मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर जरूर विजिट कीजिएगा, इसके यहाँ पर पूरा डिटेल से नहीं देगा रखा। अगर आप करने में इंटरेस्ट है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको पूरा गाइड कर दूँगा। जो लोग मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी यानी कि MHMCT करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो यहाँ पर 39,720 रुपये चार्ज रहेगा फर्स्ट ईयर का, तो वही सेम चार्ज आपका सेकेंड ईयर रहेगा 39,720 रुपये, यानी कि 2 साल के अंदर लगभग आपको पर ईयर इसी तरीके से पे करना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है MHMCT, यानी कि होटल मैनेजमेंट के बाद ये MHMCT करने के बाद बहुत ही अच्छी जॉब मिल जाती है। MSW यानी कि मास्टर ऑफ सोशल वर्क, जो लोग ये कोर्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो चार्ज रहेगा MSW का 7,500 रुपये चार्ज रहेगा, यानी कि फर्स्ट ईयर में आपको 7,500 रुपये चार्ज पे करना पड़ेगा, वही सेम चार्ज आपको सेकेंड ईयर में पे करना पड़ेगा। अगर आप लोग ये कोर्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। जो लोग यहाँ से MTTM करना चाहते हैं MTTM कर सकते हैं। MTTM यानी कि मास्टर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है। तो यहाँ पर 40,880 रुपये चार्ज रहेगा फर्स्ट ईयर, वही सेम चार्ज आपको सेकंड ईयर में देना पड़ेगा। तो लगभग आपका ये 81,000 के आसपास का टोटली फी पे करना पड़ेगा 2 साल के अंदर अंदर। जो लोग यहाँ से BPA यानी कि बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स से ये कोर्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कोर्स आपका 5 साल का होगा और 5 साल के अंदर जो पर ईयर चार्ज रहेगा 5,243 रुपये, यानी कि पर ईयर इसी तरीके से आपको 5,243 रुपये पे करना पड़ेगा। जो लोग मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन करना चाहते हैं मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ईयर आपको 15,000 रुपये चार्ज देना पड़ेगा, यानी कि पर ईयर आपको 15,000 रुपये चार्ज देना पड़ेगा, वही सेम चार्ज आपको सेकेंड ईयर में देना पड़ेगा, यानी कि 2 साल के अंदर लगभग 30,000 रुपये में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा।
जो लोग MCA यानी कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन करना चाहते हैं लैटरल से, तो ये मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर 21,505 रुपये पे करना पड़ेगा पर ईयर, क्योंकि कोर्स आपका MCA 2 साल का होने वाला है लैटरल से। तो यहाँ पर 21,505 रुपये पर ईयर पे करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग ये कोर्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो MCA बाय द वे मैंने पहले आपको लैटरल से बताया था, लेकिन आपको यहाँ पर 3 साल का हो जाएगा यहाँ पर, अगर आपको पास लैटरल से नहीं करते तो यहाँ पर आपका ये कोर्स 3 साल का हो जाएगा। और 3 साल के अंदर आपको जो पर ईयर पे करना पड़ेगा 21,505 रुपये, यानी कि फर्स्ट ईयर में आपको 21,505 रुपये पे करना पड़ेगा भाई। सेम चार्ज आपको सेकंड एंड थर्ड में पे करना पड़ेगा। अगर आप लोग ये कोर्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। जो लोग यहाँ से BBA और MBA करना चाहते हैं BBA और MBA कर सकते हैं। BBA और MBA की यहाँ पर जो फीस रखी गई है वो 55,500 रुपये रखी गई है, यानी कि पर ईयर आपको 55,500 रुपये पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोर्स आपका 5 साल का रहेगा। तो यानी कि 5 साल के अंदर आपको दोनों ही कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है मेरे ख्याल से, आपको ये 100% करना चाहिए। जो लोग मास्टर ऑफ लॉ यानी कि LLM करना चाहते हैं LLM कर सकते हैं। LLM आपकी 2 साल की होने वाली है, तो 2 साल के अंदर जो पर ईयर चार्ज रहेगा आपका 16,140 रुपये रहेगा, यानी कि पर ईयर आपको इसी तरीके से 16,140 रुपये पे करना पड़ेगा। और ये कोर्स आपका 2 साल का होने वाला है। तो अगर आप लोग ये कोर्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। जो लोग यहाँ से सर्टिफिकेट का कोर्स करना चाहते हैं सर्टिफिकेट का कोर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 1 साल का रहेगा, यानी कि 1 साल के अंदर आपका जो टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा 5,183 रुपये में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और आपको यहाँ पर 8 स्ट्रीम मिल जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बताइए वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ उनको सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको किसी भी कोर्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको पूरा गाइड कर दूंगा। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। एक बार हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरीके की जानकारी आपके दोस्तों यार दोस्तों भाई बहनों सभी को मिल सके। तो जय हिंद जय भारत।